आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्वर रिलेटेड के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, वो सब क्वेश्चन क्या होते हैं और उनका पॉसिबल आंसर क्या क्या होते हैं, वो सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ही बहुत सारे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज टॉपिंग एंगल। अब कन्वर बेल्ट में टॉपिंग एंगल क्या होता है उसको जानने के लिए हमको कैरिंग आइलर देखना पड़ेगा। आप देखते हैं किसी भी कैरिंग आइलर में आपका जो सेंटर में आइलर रहता है वो फ्लैट रहता है और दोनों साइड में जो आइलर रहता है वो थोड़ा आपका इंक्लिनेशन या तो एंगल में रहता है। आपका दोनों साइड का जो कैरिंग आइलर रहता है वो जो एंगल क्रिएट करता है उसी को हम लोग टॉपिंग एंगल कहते हैं। टॉपिंग एंगल जितना रहता है उसी हिसाब से आपका कन्वर बेल्ट फोल्ड होकर चलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ टॉपिंग एंगल। आपके कन्वर बेल्ट में जो टॉपिंग एंगल यूज किया था उसमें मैक्सिमम एंगल कितना रहता है और मिनिमम एंगल कितना रहता है। नॉर्मली हम लोग का जो टॉपिंग एंगल रहता है वो 15 डिग्री से शुरू होता है और 45 डिग्री तक चलता है। 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री और 45 डिग्री का टॉपिंग एंगल हम लोग कन्वर बेल्ट में यूज करते हैं। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका कौन से जगह में यूज हो रहा है उसी हिसाब से आपका टॉपिंग एंगल यूज किया जाता है। आपका टॉपिंग एंगल कहाँ पर कितना रहना चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आगे, उस वीडियो को देख के आप पता कर सकते हैं कहाँ पर हम लोग कितना डिग्री एंगल का टॉपिंग एंगल यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग 15 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक टॉपिंग एंगल का यूज करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई गियर ऑयल इज यूज इन गियर बॉक्स। आपका कन्वर का जो गियर बॉक्स रहता है उसमें गियर ऑयल क्यों यूज करते हैं। कन्वर के गियर बॉक्स में हम लोग गियर ऑयल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो आपका मोटर का आरपीएम रहता है वो हाई आरपीएम रहता है, इसलिए इसके अंदर में जो भी आपका गियर रहता है वो हाई आरपीएम से मूव करता है। हाई आरपीएम रहता है उसके साथ आपका जो भी इंडस्ट्री में गियर बॉक्स यूज होता है वो डस्ट कंडीशन में यूज होता है या तो मॉइस्चर कंडीशन में यूज होता है, तो गियर ऑयल आपका इसको ईजिली रेजिस्ट कर सकता है आपका मॉइस्चर कंडीशन या तो डस्ट कंडीशन को, इसलिए हम लोग गियर ऑयल का यूज़ करते हैं। और गियर ऑयल आपका प्रोटेक्ट करता है, इनसाइड में जो भी पार्ट रहता है वो सबको कूल करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग गियर ऑयल का यूज़ करते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा था, आपके कन्वेयर में जो प्लम्बर ब्लॉक रहता है उसमें कौन से टाइप का लुब्रिकेशन यूज करते हैं, व्हिच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इज यूज इन योर प्लम्बर ब्लॉक। लुब्रिकेशन हम लोग नॉर्मली तीन तरह का रहता है, एक रहता है सॉलिड लुब्रिकेशन, रहता है लिक्विड लुब्रिकेशन और एक रहता है सेमी लिक्विड लुब्रिकेशन। हम लोग प्लम्बर ब्लॉक में सेमी लिक्विड लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। इसमें हम लोग नॉर्मली EP2 ग्रीस का यूज करते हैं जो एक्सेसिव प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है। हम लोग जिस ग्रीस का यूज करते हैं उसका बेस ऑयल नॉर्मली मिनरल ऑयल रहता है और लिथियम बेस का ग्रीस रहता है। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट टू डू इफ योर गियरबॉक्स ऑयल सील इज डैमेज ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। आपका गियरबॉक्स का ऑयल सील जो रहता है वो अगर आपका रनिंग कंडीशन में डैमेज हो गया उस कंडीशन में आप गियरबॉक्स को कैसे चला सकते हैं। आपका उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपका जो गियर ऑयल रहता है गियर ऑयल के साथ आप ग्रीस को मिक्स कर देंगे, जो लुब्रिकेशन आपका बना उसको आप लोग गियरबॉक्स में डालेंगे और उसी से आपका गियरबॉक्स कंटिन्यू चलाते रहेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं चलाते, ये मिनिमम आपका रनिंग करने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ज़्यादा दिन चलाने से आपका गियरबॉक्स भी डैमेज हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में अगर प्लांट आपका रनिंग है आपका ऑयल सील डैमेज हो गया, हम लोग को ग्रीस के साथ गियर ऑयल को मिक्स करके उसमें लुब्रिकेशन करना पड़ता है। क्योंकि आपका गियर ऑयल और ग्रीस का अगर लुब्रिकेशन आप मिक्स करके यूज करेंगे उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसलिए उसके अंदर में आपका ऑयल पूरा ड्राई नहीं हो पाएगा, उसमें उसके अंदर में कुछ ग्रीस आपका हमेशा मेंटेन करके रखेगा। इसलिए अगर आपका ऑयल सेल कभी भी किसी भी कंडीशन में डैमेज होता है उस कंडीशन में हम लोग ग्रीस और ऑयल को मिक्स करके एक लुब्रिकेशन बना के उसको इसके अंदर में डाल सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रैपर इन कन्वेयर बेल्ट। आपका जो कन्वेयर बेल्ट में स्क्रैपर रहता है उसका यूज क्या रहता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा आपके हेड पुली के जस्ट नीचे और स्नैप पुली के जस्ट बगल में आपका एक स्क्रैपर रहता है, उसका काम क्या रहता है। आपका कन्वर बेल्ट जब रनिंग रहता है उसमें जो मेटल फ्लो होता है डिस्चार्ज के बाद भी वो बेल्ट में कुछ मेटेरियल आपका चिपक के रह जाता है, वो मेटेरियल आगे में जाएगा तो आपका टेल पुली या तो बेंट पुली या तो आपका टेको पुली उसमें लग के बेल्ट बार बार साइड हो सकता है। इसलिए आपका हेड पुली के नीचे में एक स्क्रैपर यूज किया जाता है जिससे आपका बेल्ट क्लीनिंग कर देता है, और जो स्क्रैपर यूज करने से आपका बेल्ट प्रॉपरली क्लीनिंग हो जाता है और आपके स्नैप पुली या तो आपका बेंट पुली या तो टेको पुली में आपका मेटेरियल बार बार नहीं जा पाता। तो ये थे कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने आज डिस्कशन किया। अगर मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया या तो इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।